पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस बारे में फाइनाइट ऑटोमेटास के बारे में. अब इस वीडियो में अगेन फाइनाइट ऑटोमेटास के बारे में डिस्कस करेंगे. तो एक फॉर्मल एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा का डायग्राम बनाते हैं. देखो, फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है. डायग्राम इज़ जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. डायग्राम का मतलब ये नहीं है कि वो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है. तो डायग्राम जो है वो एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है फाइनाइट ऑटोमेटा का. हम फाइनाइट ऑटोमेटा को मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम एक फाइनाइट ऑटोमेटा को टेबुलर फॉर्म के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. तो देखो, रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, रिप्रेजेंटेशंस, सबसे पहली हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ओके, यू कैन चेक द स्पेलिंग्स, फाइन. सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसका मतलब क्या है कि हम कुछ डायग्राम्स बनाएंगे जहाँ से हम फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. जैसे कि मैं डायग्राम के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, डायग्राम में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं. सबसे पहला जो हमारे पास एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास एक स्टेट को, ठीक है. तो यहाँ पर होगा हमारे पास स्टेट. तो हम किसी भी स्टेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्कल और उसके अंदर स्टेट का नाम. जैसे कि ये एक सर्कल है और ये स्टेट का नाम है, ठीक है. तो हम एक स्टेट को सबसे पहले इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. अब स्टेट्स के अंदर कुछ ऐसी स्टेट हो सकती है जो आपकी इनिशियल स्टेट है, कुछ ऐसी स्टेट हो सकती है जो कि फाइनल स्टेट है. तो जो भी हमारी इनिशियल स्टेट होगी, इनिशियल स्टेट्स, तो इनिशियल स्टेट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, या तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, यानी कि एक एरो इस तरीके से क्यू नॉट. तो या तो हम बोलेंगे कि ये एक इनिशियल स्टेट है, या फिर इनिशियल स्टेट के लिए हम एक और रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं. इसका मतलब है इस तरह से आप एक स्टेट बनाएंगे क्यू नॉट और यहाँ पर पुट करेंगे माइनस साइन. अगर क्यू नॉट के साथ हमने एक माइनस साइन को पुट किया है, यानी कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ इनिशियल स्टेट, ठीक है. उसके बाद हमारे पास हो सकती है फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट्स, ठीक है. तो फाइनल स्टेट को हम डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, जैसे क्यू नॉट हमने दिखाया तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ फाइनल स्टेट. या फिर हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यू नॉट विद अ प्लस साइन. तो ये दो रिप्रेजेंटेशंस हैं जो कि हम फाइनल स्टेट को यूज रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करेंगे. उसके अलावा जो फोर्थ चीज़, जो चौथी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो है ट्रांजिशन. ट्रांजिशन, ठीक है. तो ट्रांजिशन कैसे होंगे, इस तरीके से हम जहाँ पर भी एरो बनाएंगे उस एरो के अंदर हम कुछ लिख सकते हैं कि ये इनपुट अल्फ़ाबेट है और ये एरो है, तो ये हो गया हमारे पास ट्रांजिशन. जैसे कि मैंने बोला कि हमारे पास एक स्टेट है इनिशियल स्टेट, दिस इज इनिशियल स्टेट विच इज़ क्यू नॉट. अगर हमने इस पे सिंबल दिया ए, तो हम गए स्टेट क्यू वन पर, और क्यू वन जो है वो एक फाइनल स्टेट है. तो ये जो हमने बनाया दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ ट्रांजिशन. ये जो पहली स्टेट है जहाँ पर हमारे पास एक इस तरीके से हाफ एरो है, ये एक हमारे पास इनिशियल स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ इनिशियल स्टेट, और ये वाला हमें रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल स्टेट. फाइनल स्टेट, और यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन, ओके. बीच में जहाँ पर जो बता रहा है कि हम अगर इसके अंदर अगर इस समय पर इनिशियल स्टेट क्यू नॉट पर है, हमने एक सिंबल दिया ए, तो हम लोग एक दूसरी स्टेट पर गए क्यू वन. सिंबल देने के बाद हम कहाँ पर गए, वो जो डायरेक्शन बताने वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन, ठीक है. तो ये जो चार चीज़ें हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे. अब इसके अलावा कुछ ऐसे फाइनाइट ऑटोमेटास हो सकते हैं जहाँ पर हमें आउटपुट्स मिले, ठीक है. तो अगर फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट है तो वो दो तरह की हो सकते हैं, या तो हमारे पास एक मिले मशीन हो सकती है, मिले मशीन, और या फिर हमारे पास एक मूरे मशीन हो सकती है. तो मिले और मूरे मशीन हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मिले मशीन के अंदर ये होता है कि अगर आपके पास कुछ सिंबल इनपुट दिया, कुछ इनपुट के साथ आप कुछ आउटपुट भी देंगे, लेकिन मिले मशीन में जो आउटपुट है वो ट्रांजिशन के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे. तो आउटपुट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से एक ट्रांजिशन होगा स्लैश बी. इसका मतलब है कि आपने इनपुट सिंबल दिया ए, तो आपको आउटपुट मिला बी. जैसे कि मैंने अगर इस तरह से बनाया कि ये हमारी इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट, यहाँ पर हमने ए स्लैश ए एंड दिस इज स्टेट क्यू वन, यानी कि अगर आप इनपुट आपने ए दिया तो आउटपुट आपके पास ए मिला, ठीक है. उसी तरीके से हमारे पास मूरे मशीन होगी, मूरे मशीन के अंदर हमारे पास जो आउटपुट है वो स्टेट के अंदर ही लिखा होता है, ठीक है.
तो जब मिलर मूलर मशीन जिस समय पर मैं कवर करूँगा तो उस समय पर बताऊँगा कि ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी मैं आपको ज़्यादा इन डेप्थ नहीं बता रहा। लेकिन अगर मूलर मशीन की बात करता हूँ तो मूलर मशीन में हम ऐसा होगा कि इनिशियल स्टेट जैसे ये आपकी क्यू नॉट है और हमने लिखा है यहाँ पर स्मॉल ए, ठीक है, और ये आपके पास है ट्रांजिशन बी और ये आपके पास क्यू वन है और यहाँ पर लिखा हमने स्मॉल बी। इसका मतलब है कि अगर आप क्यू नॉट स्टेट पर पहुँचे तो आपके पास आउटपुट आया ए, अगर आप क्यू वन स्टेट पर पहुँचे तो आपके पास आउटपुट आया बी। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ मूरे मशीन, ठीक है। तो मिले और मूरे मशीन हमारे पास यहाँ पर हो सकती है और मिले और मूरे मशीन के केस में ही हमारे पास आउटपुट्स आएंगे, लेकिन अभी मैं इसको ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में स्टडी नहीं कर रहा हूँ। तो अभी हमें सिर्फ इन चार एलिमेंट्स की ज़रूरत है विच इज़ रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट, अ इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट एंड अ ट्रांजिशन। तो इन चार एलिमेंट की हेल्प से ही हम फाइनाइट ऑटोमेटास को बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अब रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में ये एलिमेंट्स हमारे पास है। अब मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ फाइनाइट ऑटोमेटा का, एक लैंग्वेज का एग्जांपल लेता हूँ और फिर उसको मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ बाय यूजिंग दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इस केस में, इस वीडियो में हम लोग एक एग्जांपल देखने वाले हैं जिसमें हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देंगे और साथ साथ में उसका ट्रांजिशन फंक्शन भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो अज्यूम कर रहा हूँ इस केस में कि हमारे पास समीशन यानी कि जो इनपुट अल्फ़ाबेट है वो है हमारे पास 0,1, कि हम सिर्फ यही दो इनपुट अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो डायग्राम किस तरीके से है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ इनिशियल स्टेट विच इज़ क्यू नॉट, उसमें अगर आपने 0 दिया देन यू आर गोइंग टू द स्टेट क्यू वन, इसमें अगर आपने 1 दिया देन यू आर गोइंग टू द स्टेट क्यू टू, फिर यहाँ पर आपने 0 दिया तो आप स्टेट क्यू थ्री पर जा रहे हैं और यहाँ पर अगर आपने 1 दिया तो आप स्टेट क्यू टू पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आपने 0 दिया तो आप स्टेट क्यू फोर पर जा रहे हैं जो कि एक फाइनल स्टेट है, और यहाँ पर अगर आपने 1 दिया तो मेक इट, अगर यहाँ पर आपने 1 दिया तो आप स्टेट क्यू वन पर ही जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा मैंने बनाया है यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है दिस इज जस्ट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि डायग्राम के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है कि हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा है क्या, ठीक है। मैंने इसको विदाउट किसी लैंग्वेज के बनाया है, बेसिकली मैंने जब इसको बनाया था इस समय पर तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं किस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, मैंने बस एक फाइनल ऑटोमेटा डायग्रामेटिक फॉर्म में आपके लिए बना दिया रैंडम ट्रांजिशंस के साथ ताकि आपको पता चल सके कि फाइनल ऑटोमेटा रिप्रेजेंटेशन में दिखता कैसा है, ठीक है। अब दिस इज जस्ट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब होगा क्या कि अगर आप इसी को एक मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए क्या क्या एलिमेंट्स यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए मैं एक और ट्रांजिशन 0,1 के लिए यहाँ बना देता हूँ। तो मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होगा कि यहाँ पर भी लेट अस मेक 0,1 फाइन। तो मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होगा कि हमारे पास क्यू समीशन क्यू नॉट डेल्टा एंड एफ, तो ये हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा है। तो ये वाला जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो हमने क्यू समीशन क्यू नॉट डेल्टा और एफ से रिप्रेजेंट किया है। तो ये चाहे डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है। तो बाय द वे मैंने ये जो ट्रांजिशन इसलिए डाले क्योंकि मैं इसको डिटर्मिनिस्टिक बनाना चाहता था और हमें डिटर्मिनिस्टिक को ही कवर करना था इस समय पर। तो जस्ट इमेजिन दैट दिस इज अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अभी मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आपको नहीं पता कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये मुझे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको नहीं पता। तो इसी तरीके से मैं एक ट्रांजिशन, मैंने डायग्राम लिया, इस ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर यू डोंट नो कि ये डिटर्मिनिस्टिक है नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, इवन दो आई नो कि ये क्या है, लेकिन मैं बस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि हमने एक डिटर्मिनिस्टिक बनाया है जिसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब इस केस में देखो कितने स्टेट्स हैं हमारे पास, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री एंड क्यू फोर, तो हमारे पास टोटल 5 स्टेट्स हैं। तो ये जो Q है ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास Q नॉट कॉमा क्यू वन कॉमा क्यू टू कॉमा क्यू थ्री कॉमा क्यू फोर। तो ये Q रिप्रेजेंट कर रहा है इन 5 स्टेट्स को, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा समीशन है, समीशन इज इनपुट अल्फ़ाबेट, तो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर दिया था कि हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट में सिर्फ 2 ही सिंबल होंगे विच इज़ 0 एंड 1, ठीक है। तो इसको अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सेट 0,1, ठीक है। तीसरा है हमारे पास क्यू नॉट।
अब क्यू नॉट इज रिप्रेजेंटिंग इनिशियल स्टेट, ठीक है, इनिशियल स्टेट कितनी यहाँ पर, एक ही, ऑब्वियसली हर एक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर आपके पास हमेशा एक ही इनिशियल स्टेट होने वाली है, बट स्टिल हम इनिशियल स्टेट को भी एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और इनिशियल स्टेट इज ऑल्सो ए नॉन एम्प्टी सेट. देखो जो फाइनल स्टेट है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट कैन बी एम्प्टी, बट इनिशियल स्टेट कैन बी इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी. ठीक है, फाइनल स्टेट हमारे पास एक एम्प्टी हो सकता है, यानी कि किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा डायग्राम के अंदर या किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर आपके पास ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा फाइनल स्टेट हो ही हो. ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर कोई भी फाइनल स्टेट नहीं है, ठीक है, लेकिन हमेशा एक इनिशियल स्टेट होनी ज़रूरी है. बिना इनिशियल स्टेट के आप फाइनाइट ऑटोमेटास को नहीं बना सकते. ठीक है, तो ये जो क्यू नॉट है ये रिप्रेजेंट करता है लाइक दिस. ठीक है, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक ही इनिशियल स्टेट है विच इज़ क्यू नॉट. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डेल्टा, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांजिशन फंक्शन. तो देखो ट्रांजिशन फंक्शन इस केस में कैसे रिप्रेजेंट होगा. इस केस में हर एक स्टेट के पास ट्रांजिशंस हैं. ठीक है, तो अगर मैं क्यू नॉट स्टेट की बात करता हूँ, डेल्टा क्यू नॉट कॉमा जीरो टेक्स अस टू क्यू वन, यानी कि अगर आपने क्यू नॉट के अंदर जीरो को दिया तो आप क्यू वन स्टेट पर चले गए. ठीक है, उसी तरीके से डेल्टा क्यू नॉट कॉमा वन इज इक्वल टू Q2, यानी कि अगर आपने Q0 पर 1 दिया तो आप Q2 स्टेट पर चले गए. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं Q1 की बात करता हूँ तो डेल्टा Q1 कॉमा जीरो टेक्स अस टू Q3. ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं Q1 के अंदर 1 देता हूँ तो हमारे पास हम जाएंगे स्टेट Q2 पर, सो इट टेक्स अस टू स्टेट Q2. ठीक है, ऐसी ट्रांजिशन आप Q2 के लिए डिफाइन कीजिए. तो Q2 के ट्रांजिशन क्या होंगे हमारे पास, डेल्टा Q2, comma 0 takes us to Q2, यानी कि इस स्टेट के अंदर आप 0 देंगे या 1 देंगे, आप दोबारा से इसी स्टेट के अंदर आएंगे. ठीक है, तो ऐसे ही डेल्टा Q2, comma 1 takes us to Q2, इस स्टेट के अंदर 1 भी दिया तभी आप इसी स्टेट पर आ रहे हैं. अब Q3 स्टेट की बात करते हैं तो डेल्टा Q3, comma 0, अब Q3 के अंदर अगर आप 0 देंगे तो आप Q4 स्टेट पर जाएंगे, तो हम जाएंगे यहाँ पर Q4 स्टेट पर. ठीक है, ऐसे ही Q3 पर अगर आप 1 देंगे तो आप जाएंगे Q2 स्टेट पर, तो डेल्टा Q3 कॉमा 1 टेक्स अस टू Q2 स्टेट. ठीक है, अब जो लास्ट स्टेट हमारे पास बचती है वो है हमारे पास Q4 स्टेट. तो Q4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी रिप्रेजेंटेशन से. सो डेल्टा Q4 कॉमा 1 जीरो टेक्स अस टू Q4, उसी तरीके से डेल्टा Q4 कॉमा 1 टेक्स अस टू Q4. ठीक है, तो ये जो है दिस इज द डेल्टा रिप्रेजेंटेशन, दैट इज वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन. ठीक है, तो अब इस ट्रांजिशन फंक्शन में दो चीज़ें ध्यान देने की है. जब हम इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है कि हमारे पास इनिशियल स्टेट कौन सी थी और हमारे पास फाइनल स्टेट कौन सी थी, तो आप ऐसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो भी आपके पास फाइनल स्टेट है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास Q4 एक फाइनल स्टेट है, तो काफ़ी बुक्स में ऐसा हो सकता है कि जो फाइनल स्टेट है उसके साथ वो एक ऐसे स्टार लगा दें. ठीक है, तो जहाँ पर भी हमारे पास Q4 आएगा वी कैन यूज़ अ स्टार विद इट. ठीक है, तो सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट एनीवेज उसके भी समय रिक्वायरमेंट नहीं है. तो हम लोग जहाँ पर भी फाइनल स्टेट यूज़ करेंगे तो वहाँ स्टार हो सकता है. ठीक है, हो सकता है. ठीक है, अब दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी तरह के रिप्रेजेंटेशंस बुक में मिलेगी, इसके अलावा भी आप दूसरे रिप्रेजेंटेशंस को यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ क्यू नॉट, तो हम काफ़ी बुक्स में ऐसे रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि क्यू नॉट कॉमा ज़ीरो दिस साइन एंड क्यू वन, इट मीन्स क्यू नॉट के अंदर अगर आप ज़ीरो देंगे तो आप क्यू वन पर जाएंगे. ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास ऐसा भी हो सकता है Q0 comma 1 takes us to Q1, यानी कि देखो सिंपल Q2, देखो देखो है क्या कि ये और ये एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पर अगर हमने Q0 के अंदर 1 दिया तो हम Q2 पर जा रहे हैं, Q0 के अंदर 1 दिया तो Q2 पर जा रहे हैं. तो ये बुक्स की जस्ट टर्मिनोलॉजीज हैं, किसी बुक में इस तरह की टर्मिनोलॉजीज के साथ रिप्रेजेंटेशन हो सकती है और किसी बुक में इस तरह की टर्मिनोलॉजी के साथ रिप्रेजेंटेशन हो सकती है. सो नेवर गेट कन्फ्यूज बाई सींग द बुक कि आपको किस तरह की टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर दिख रही है. ठीक है, अब इस टर्मिनोलॉजीज में एक और चीज़ है जो इन दोनों केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली, वो है कि कैन यू स्किप सम स्टेट्स. स्किप स्टेट्स का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ. देखो जैसे कि अगर मैं क्यू नॉट स्टेट पर हूँ,
क्यूनोट स्टेट पर मैंने एक स्ट्रिंग दी विच इज़ 1101। ठीक है, देखो यहाँ पर हम सिर्फ एक सिंबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम एक सिंबल की बात कर रहे हैं कि अगर आप क्यूनोट स्टेट पर 1 देखा तो हम कहाँ पर गए। यहाँ पर भी एक सिंबल की बात करी, क्यू1 स्टेट पर 0 देखा तो हम कहाँ पर गए। लेकिन इस केस में अब एक स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, स्ट्रिंग का मतलब है कि पूरी स्ट्रिंग को रीड करने के बाद हम कहाँ पर गए। देखो क्यूनोट स्टेट पर हमने पहला 1 दिया तो हम गए Q2 पर, थे ना, तो स्ट्रिंग कौन सी है 1101, तो पहले 1 को देकर हम गए Q2 पर। अब दूसरे 1 से इस Q2 से हम दोबारा से Q2 पर रहे, फिर तीसरे 0 से हम दोबारा से Q2 पर रहे, बिकॉज ये ना 0 और कॉमा 1 दोनों के लिए ट्रांजिशन है ना। तो ऐसे ही फिर हमने 1 देखा तब भी हम Q2 पर रहे, यानी कि पूरी स्ट्रिंग को रीड करने के बाद हम Q2 स्टेट पर ही रहे। तो उस केस में इस ट्रांजिशन के ऊपर भी स्टार हो सकता है, जैसे यहाँ पर भी हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बुक्स में अगर ऐसा कहीं पर लिखा हो डेल्टा क्यू नॉट कॉमा 0110 समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पर हो सकता है स्टार। ठीक है, तो पूरी स्ट्रिंग को रीड करने के बाद आप कहाँ पर गए, जैसे अब हमारे पास स्ट्रिंग है 0 का मतलब क्यू नॉट से हम Q1 पर गए, फिर 1 Q1 से हम गए Q2 पर, फिर 1 यानी कि हम Q2 से Q2 पर गए, और फिर 0 यानी कि Q2 से Q2 पर ही रहे। तो यहाँ से भी हम स्टेट कहाँ पर जा रहे हैं, Q2 पर। यानी कि ये जो रिप्रेजेंटेशंस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल अल्फ़ाबेट, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी स्ट्रिंग, क्या कि पूरी स्ट्रिंग को रीड करने के बाद आपने कहाँ पर ट्रांजिशन लिया। तो अगर आप इस सभी ट्रांजिशंस को चेक करेंगे तो कि ट्रांजिशन मैथमेटिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो मैंने आपको बताया था कि डेल्टा की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि डेल्टा क्यू क्रॉस समीशन टेक्स अस टू क्यू। अब ये जो डेफिनेशन है क्यू क्रॉस समीशन टेक्स अस टू क्यू, ये डेफिनेशन स्पेशली वैलिड है सिर्फ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए, ये वाली डेफिनेशन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए वैलिड नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप इस डेफिनेशन को यहाँ पर देखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स कितनी है, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4। तो स्टेट्स हमारे पास पहला रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ स्टेट्स विच इज़ Q0, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो चारों की चारों स्टेट्स हमारे पास यहाँ पर आ गए। दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास समीशन, तो समीशन यानी कि इनपुट अल्फ़ाबेट, तो कितने इनपुट अल्फ़ाबेट हमारे पास, 2, विच इज़ 0 एंड 1। तो हमारे पास ये 2 इनपुट अल्फ़ाबेट आ गए विच इज़ 0 एंड 1। तीसरा रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास Q, which is again the same set. तो ये वाला set भी Q represent कर रहा है, और यहाँ पर जो set बनाएंगे ये भी हमारे पास Q represent कर रहा है, जिसके अंदर आता है हमारे पास Q0, Q1, Q2, Q3 and Q4। ठीक है, अब देखो difference क्या है यहाँ पर, ये बोलता है कि Q0 के अंदर 0 गया तो हम Q1 पर गए, यानी कि Q0 के अंदर आपने 0 दिया तो हम set Q1 पर गए, Q0 के अंदर अगर हमने 1 दिया तो हम set Q2 पर गए, Q0 के अंदर हमने 1 दिया तो हम स्टेट Q2 पर गए, अगेन Q1 के अंदर हमने 0 दिया तो हम स्टेट Q3 पर गए, सो Q1 पे 0 दिया तो हम स्टेट Q3 पर गए, ऐसे ही Q1 के अंदर अगर हमने 1 दिया तो हम स्टेट Q2 पर गए, सो इसके अंदर अगर हमने 1 दिया तो इट विल टेक अस टू स्टेट Q2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप सभी ट्रांजिशंस को बना सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये एक क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है ये एक क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो एक क्रॉस प्रोडक्ट है क्या, मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर बनाता हूँ ताकि आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट दिखा सकूँ। यहाँ पर जब मैंने आपको ऐसा बोला कि डेल्टा क्यू क्रॉस समीशन टेक्स अस टू क्यू, ठीक है, अब देखो क्यू क्या है, क्यू इज रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स विच इज Q0 कॉमा Q1 कॉमा Q2 कॉमा Q3 कॉमा Q4। तो ये हमारे पास हो गया सेट। ठीक है, समीशन क्या है, समीशन इज ऑल्सो ए सेट, समीशन विच इज़ 0, 1। तो यहाँ पर हमारे पास दो सिंबल्स है 0 और 1, और अगेन देयर इज अ मैपिंग ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट विद क्यू विच इज़ Q0 कॉमा Q1 कॉमा Q2 कॉमा Q3 कॉमा Q4। सो अगर आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या दिखाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट दिखाएगा हमारे पास Q0 कॉमा 0 Q0 कॉमा 1 Q1 कॉमा 0 Q1 कॉमा 1 Q2 कॉमा 0 Q2 कॉमा 1 Q3 कॉमा 0 Q3 कॉमा 1 अगेन Q4 कॉमा 0 एंड Q4 कॉमा 1। ठीक है,
तो ये जब मैं इनको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ डेल्टा फंक्शन की फॉर्म में, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं. क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, दैट एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस स्टेट एंड दिस सेट. सो क्यू नॉट कॉमा जीरो, क्यू नॉट कॉमा वन, क्यू वन कॉमा जीरो, क्यू वन कॉमा वन, क्यू टू कॉमा जीरो, क्यू टू कॉमा वन एंड सो ऑन. तो हम हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो काफ़ी जगह पर अगर आपको एक फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन दी है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग अ डायग्रामेटिक डेफिनेशन लाइक दिस, दे कैन डायरेक्टली गिव यू ओनली दिस थिंग. वो आपको सिर्फ ये देंगे और आप इसको देखकर, सिर्फ इसको देखकर आप अपने इस डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब इसके अलावा जो एक और रिप्रेजेंटेशन है वो है टेबुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन. तो अभी मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है बोर्ड पे, तो जो अगला वीडियो आएगा मैं इसको रब करता हूं, और इसी स्टेम फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए मैं उस टेबुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंट को शो करूंगा. ठीक है, अब देखो एक चीज़ और यहां पर रह गई है हमारे पास. नेक्स्ट हमारे पास है फाइनल स्टेट. ठीक है, तो फाइनल स्टेट कौन सी है यहाँ पर, इट इज़ ओनली वन फाइनल स्टेट, सो विच इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय Q4. ठीक है, अब ध्यान दो, जब मैं इस डेफिनेशन को शो करूँगा तो ये डेफिनेशन कैसे शो होगी, तो ये डेफिनेशन कैसे शो होगी एफ डी एफ ए की यहाँ पर. तो हमारे पास क्या है डी एफ ए की डेफिनेशन. सो डी एफ ए जब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग शो करता हूँ, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा क्यू. क्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास दैट इज़ क्यू नॉट कॉमा क्यू वन कॉमा क्यू टू कॉमा क्यू थ्री कॉमा क्यू फोर. फिर नेक्स्ट अपर है हमारे पास सबमिशन, तो इंस्टेड ऑफ सबमिशन आई विल बी राइटिंग 0,1. नेक्स्ट हमारे पास क्यू नॉट विच इज़ द इनिशियल स्टेट. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेल्टा विच इज़ ट्रांजिशन फंक्शन. नेक्स्ट हमारे पास एफ, एफ में हमारे पास यानी कि एक ही स्टेट है यहाँ पर क्यू फोर, यानी कि हमारे पास एक ही फाइनल स्टेट है. तो इस तरीके से भी, मैं यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं थी इसलिए मैं नेक्स्ट लाइन में दे दिया, लेकिन इस तरीके से भी हम एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब अगले वीडियो में मैं इसी एक फाइनाइट ऑटोमेटा को मैं रिप्रेजेंट करूँगा बाय यूजिंग अ टेबुलर फॉर्मेट, और यू कैन से बाय यूजिंग अ टेबल. ठीक है.